हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीवी यांत्रिक के सेक्शन में। कितने भी मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा और पासिंग मार्क्स क्या होता है। ये दोनों चीज़ मैं क्लियर करूंगा, बट उसके पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग जिसको आप लोग माइनस मार्किंग बोलते हो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। बार बार ये सवाल पूछते हो तो इसको स्टार्ट तो कर दिए, बट यहाँ पर हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ। पहली बात ये कि देखो देखो दो टाइप्स के कट ऑफ होते हैं, ठीक है, एग्जाम में। चाहे आप किसी भी के लिए दो, चाहे आप जीडी के लिए दो, चाहे आप डीबी के लिए दो, चाहे यांत्रिक के लिए दो, दोनों में दो टाइप से कट ऑफ होते हैं। और एक क्या एक होता है पासिंग मार्क्स, ठीक है, मैं वो भी बात करूंगा। पासिंग मार्क्स और एक होता है कट ऑफ, ठीक है। इन दोनों पे कि अभी हमारे लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है, पहले हम लोग बात कर लेंगे। देखो पासिंग मार्क्स क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। हर सेक्शन में किसकी किसकी कितनी गई थी, ठीक है, कैटेगरी वाइज। फिर बात कर लेंगे इस बार के लिए सेफ स्कोर क्या है, तीन चीज़ें बात करेंगे। बट उसके पहले एक चीज़ मैं बोलूंगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जल्दी से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं खुल रहा है तो टेलीग्राम पे सर्च करो @A2ZStudy, ठीक है, ताकि वहाँ से जल्दी से ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल बहुत सारी PDFs वगैरह प्रैक्टिस सेट में वहाँ पर देते रह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी कुछ पेड PDF है, ये वाली जो पेड PDF है इसके अंदर 10 प्रैक्टिस सेट है, मतलब एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 60 क्वेश्चन है, टोटल 600 क्वेश्चन है, ठीक है। ये बाई कर लो आप, बस 50 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको देखो या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से बाई करो, या फिर मेरे स्टाफ को मैसेज करो 7279047787, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है। तो यहाँ से इनसे कांटेक्ट करके इस PDF को जल्दी से बाई कर लो। ये PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे सब्जेक्ट्स है इसमें, आंसर की भी और मैथ की सारी सॉल्यूशंस भी है। तो इसको बाई करने के लिए जो है व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, राहुल नाम है उनका, राहुल सर आपको बता देंगे 7279047787 पे। ओके चलो हम लोग बात कर लेते हैं अभी कि पहले ये चीज़ क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है, ठीक है, और पासिंग मार्क्स क्या होता है। देखो एग्जाम जब दोगे ना आप, अगर आप DB का दे रहे हो, ध्यान से सुन लो, अगर सिर्फ DB का दे रहे हो तो आपको सिर्फ सेक्शन 1 देना है, बाकी सेक्शन 2, 3, 4 कुछ नहीं देना है। जो कि आपको 30 मार्क्स तो कैसे भी लाने हैं, कट ऑफ कुछ भी जाए 30 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है, ये पासिंग मार्क्स इसको कहते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर देखो DB में जो है ना पासिंग मार्क्स इसकी 30 एक तरीके से सेक्शन 1 में कहा जा रहा है, ठीक है, तो आपको 30 स्कोर करने ही करने हैं पासिंग मार्क्स, बाकी जो भी कट ऑफ चला जाए, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनो, ये तो DB की होगी, वो चाहे वो कोई भी कैटेगरी का बंदा हो। अब यहाँ पे GD में क्या होता है ना, GD में दो एग्जाम देने हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों एक ही दिन होगा। और ये अफवाह जो फैला रहा है ना कि अलग अलग डेट आएंगी दोनों रिटर्न की, तो फिर बहुत बड़े झमेले में फंस जाओगे, ठीक है। जो भी रिटर्न टेस्ट है एक ही दिन हो जाएगा, स्टेज 2 जो फिजिकल है वो अलग होगा, वो स्टेज 2 कहते हैं, और रिटर्न को सेक्शन 1 सेक्शन 2 कहते हैं। स्टेज 1 के अंदर दोनों आ जाते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है, चाहे GD का हो चाहे DB का हो या फिर यांत्रिक जो भी है, सारा रिटेन एक ही दिन के अंदर कंप्लीट होगा। और DB का तो एक ही सेक्शन है, वही हम बात कर ले। सेक्शन 1 में GD वालों को 30 नंबर लाना ही लाना है, और सेक्शन 2 में 20 नंबर। यांत्रिक वालों को भी सही सेम चीज़ है, ठीक है, चाहे आपको सेक्शन 3 चाहे सेक्शन 4 हो, आपको 20 नंबर लाने ही है, मिनिमम आपको 50 मार्क्स लाने ही लाने हैं। आप कट ऑफ जो भी इसे बाहर चला जाए, ठीक है, लाइक सपोज लाइक, देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। मान लो आप GD की अप्लाई कर रखे हो, GD या फिर DB या फिर यांत्रिक के लिए, DB के लिए तो नहीं, GD या फिर यांत्रिक के लिए आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है। मान लो आपके सेक्शन 1 में कितने स्कोर हैं, 28 है, ठीक है, और आपके सेक्शन 2 में कितने हैं, मान लो 50 मार्क्स हैं। आपके मार्क्स कितने हो गए, मान लेते हैं हम लोग 78 हो गए, मान लेते हैं, ठीक है। बाकी कट ऑफ कितना गया है, कट ऑफ गया है मान लो 60 गया है, तो भी आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सेक्शन 1 का कट ऑफ नहीं पार किया, आपको 28 नंबर ही ला पाए, आपको 30 लाना ही होगा, लाना होगा। ये अगर कम हो गया, या फिर आप मान लो सेक्शन 1 में ही आप फुल आउट ऑफ फुल 60 में से 60 ले आए, और इसमें से आपने जस्ट 19 ला दिया, तो भी आप फेल हो जाओगे। भले आपका मार्क्स 79 हो, कट ऑफ भले 60 हो या फिर 62 हो, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए कम से कम इसमें 30 नंबर और इसमें 20 नंबर जो भी आपका दूसरा सेक्शन है ये लाना ही लाना है, बाकी जो कट ऑफ जाएगा वो अपना जाते रहेगा। तो ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 3 4 का कहानी जो है पासिंग मार्क्स, इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी। देखो बहुत कम डेटा है प्रीवियस ईयर की, क्योंकि उतना याद रहता नहीं है, तो जो याद था मैंने बता दिया, सारी कैटेगरी वाइज नहीं याद है। बट हम लोग हमेशा से टारगेट करेंगे क्या, ये OBC का नहीं है, ये 60 जो था आपका यांत्रिक का, UR का गया था। UR का है तो अनरिजर्व कैटेगरी, जिसको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलती है, ठीक है। UR का मतलब क्या होता है भाई, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी वाले को UR कहते हैं हम लोग, तो UR ये कट ऑफ, ठीक है। पहले हम लोग OBC के बारे में बात कर लेते हैं, बट ये कट ऑफ के बारे में बात करने का पर्पज़ बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कट ऑफ के बराबर ही पढ़ना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा से कोशिश करना है कि हमको फुल आउट ऑफ फुल के बारे में सोचना है, ना कि कट ऑफ के बारे में। पिछली बार DB की कट ऑफ गई थी गाइज, जहाँ तक है ये 39 गई थी, ठीक है, जहाँ तक डेटा मेरे पास है, याद है मुझे जहाँ तक, ठीक है, तो ये DB की 39 गई थी। अगर इसमें कुछ करेक्शन है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। बट
मेरे पास डेटा यही है और स्क्रीनशॉट्स भी मेरे पास थे, उसमें 39 ही था, ठीक है। और जीडी की जो थी वो सेक्शन वन सेक्शन टू मिला के 62 ओबीसी की गई थी, ठीक है। वहीं यूआर की जनरल कैटेगरी की 42 हुई थी डीबी की, और जीडी वालों को सेक्शन वन सेक्शन टू मिला के 67 गया था, और यांत्रिक का जो था जनरल का 60 है। बाकी ईडब्ल्यूएस का देख लो 35 डीबी का है, जीडी का 55 है, और एससी एसटी का 35 है। तो गाइज यहाँ पे हमको किसी कटअप से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको टारगेट यूआर वालों को करना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, मतलब आपका टारगेट हमेशा इस पर रहना चाहिए और कहीं नहीं, ठीक है, कि हमको इसको बीट करना है, इन स्कोर को बीट करना। अपना अपना कैटेगरी देख लो कौन कैटे, मतलब डीबी की कैटेगरी में बोलूँ तो मैं कास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एग्जाम के बारे में कह रहा हूँ। कैटेगरी का मतलब मैं बोलूँ डीबी के हो, जीडी के हो, या फिर यांत्रिक के हो, किस कैटेगरी वाले हो आप, ठीक है। और कास्ट पे डिपेंड मत करो अपने कि किस कास्ट से हो और कितना एम स्कोर करें, नहीं, यूआर वाले हो चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हो, फायदा भले मिल रहा है आपको, लेकिन आपको हमेशा टारगेट करना है कि यूआर से ज़्यादा नंबर लाना है, और यूआर वाले को हमेशा टारगेट करना है कि मुझे सबसे ज़्यादा नंबर लाना है, ठीक है। ये हमेशा अपना कंपटीशन चलते रहना चाहिए। यहाँ पे गाइज ये चीज़ देखो, पिछली बार का कट ऑफ हो गया, और ऑब्वियसली गाइज हर साल स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूरी, और ये सीट भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है नहीं, तो आपकी जो पासिंग स्कोर हो सकती है हमको यही टारगेट लेके चलना है कि आपको एटलीस्ट इतना स्कोर करना ही होगा, ठीक है, एटलीस्ट इतना स्कोर करके ही चलना है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि इसमें मान लो हम लोग कितना स्कोर कर ले सेफ स्कोर हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो देखो पिछली बार का आप बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह यूट्यूब पे भी देख सकते हो, पिछली बार की कट ऑफ तो यूआर की 42 ही थी, डीवी में जीडी में 67 ही था, सेक्शन वन सेक्शन टू मिला के, और यांत्रिक की 60। तो आपको इस स्कोर को हिट करना होगा, ठीक है, इस बार भी। और यूआर वालों को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूआर को छोड़ के बाकी जितनी कैटेगरी हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सारे बंदे इस स्कोर को हिट करेंगे, आगे निकलना चाहेंगे। बस कोशिश करो कि डीबी वालों थोड़ा सा ज़्यादा जान लगाओ, 45-46 तक भी एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है, बेहतर रहता है। और जीडी वालों इस स्कोर को, तो पहले वाले स्कोर को मतलब पुराने स्कोर को इंक्रीज़ करो, ठीक है। और यूआर वालों आप समझ ही रहे हो क्या करना है आपको, हमेशा एक नया स्कोर बनाने के लिए तैयार रहा करो, ठीक है। अदरवाइज़ कंपटीशन भी पता है आपको भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, इतना ईजी है नहीं जी, मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम भले कुछ भी हो बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में। इसका रीज़न ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वैकेंसीज बहुत लिमिटेड, मतलब लिमिटेड से मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, 100-50 इस तरीके से वैकेंसीज होती हैं। तो यही रहेगी बात, ठीक है। जो भी अब डाउट हो गया आप पूछ लो, आपका सेफ स्कोर जस्ट मैंने बोल दिया कि आप यूआर की कैटेगरी को देख लो और इनको आगे बढ़ो, ठीक है। इससे ज़्यादा स्कोर रखो, मिनिमम आपको इतना लेके चलना है कि चाहे आप कोई भी कास्ट से हो, ठीक है, आपको मिनिमम इतना स्कोर रहना चाहिए बराबर, चाहे आप डीबी हो जीडी हो यांत्रिक हो, अपना अपना एग्जाम देख लो, और मिनिमम आपका स्कोर सेक्शन वन टू सेक्शन मिला के रहना चाहिए। और हाँ, सेक्शन वन में जो पासिंग क्राइटेरिया है और 2, 3, 4 में जो पासिंग क्राइटेरिया है उनको भी ज़रा मद्देनजर रखते रहना, अदरवाइज बहुत लोचा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी फिर जाते जाते एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कोस्ट गार्ड की जो है ये जो PDF है आप बाई कर लो जितनी जल्दी हो सके एग्ज़ाम से पहले, 7279047787 पे फ़ोन मत करना, फ़ोन लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि राहुल जो है परेशान हो जा रहे फ़ोन उठा उठा के, तो उन्होंने डायरेक्टली अननोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो परेशान थे बिल्कुल। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप पे उनको पे कर देना, वो आपको PDF दे देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। इस वीडियो को वायरल करो जितना ज़्यादा ज़्यादा, और डेली 10 बजे हम लोग जो है लाइव प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एग्जाम तक, मैं 24 तारीख तक कराऊंगा, क्योंकि 25 से जहाँ तक मुझे पता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम स्टार्ट कहाँ से, 25 से हो रहा है कि 24 से हो रहा है मुझे बता देना, मुझे याद है कि 25 से हो रहा है, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक, ठीक है, आपको लाइव टेस्ट कराऊंगा, फिर तो हम लोग रिव्यू कराएंगे। और एग्ज़ाम दे के आना ना, तो इसी नंबर पे क्वेश्चन भेजना होगा आपको, जो भी बच्चा एग्ज़ाम दे के आएगा इसी व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन भेजेगा, आप सोच करना, क्योंकि मैं आपको इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन भी भेजोगे, ठीक है। चलो तैयार रहना, इस नंबर को सेव करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।